नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। सुबह के 10 बज चुके, 10 बजने के साथ ही हम नए मुद्दे के साथ हाजिर हो चुके और आज का जो मुद्दा है वो है बन गई बात आ गई साथ, हालांकि क्वेश्चन मार्क है। हालांकि खबरें ऐसी हैं कि ये साथ आने वाले हैं, बस ऐलान होना बाकी है। कहावत है कि सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कुछ पता नहीं होता, ऐसा ही कुछ आजकल यूपी की सियासत में देखने को मिल रहा है। अभी तक विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की अपील करने और खुद महागठबंधन के साथ जाने की बात कर रहे ओपी राजभर को लेकर खबर है कि उनकी पार्टी सुभाषपा और बीजेपी के बीच गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के बीच हुई बातचीत में ओपी राजभर के साथ लाने का फॉर्मूला बनाया गया। खबरें यहां तक है कि ओपी राजभर को योगी कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर को गाजीपुर से उपचुनाव लड़ाने पर भी सहमति बनी है। ऐसे में सवाल यह है, क्या राजभर की विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की अपील और मायावती को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग क्या राजभर के प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा थी? क्या राजभर ऐसा करके बीजेपी पर अपनी सीटें बढ़ाने का दबाव बना रहे थे? सवाल ये भी है, क्या महाराष्ट्र की तरह यूपी में विपक्ष में फूट के चलते महागठबंधन की उम्मीदों को झटका लगा है? अपने खास कार्यक्रम बन गई बात आ गई साथ में कुछ ऐसे ही सवालों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है कि बीजेपी सुभाषपा में गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में बातचीत में बनी है सहमति, ये बताया जा रहा है। जिस तरह हमने जानकारी दी, राजभर को योगी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, ओपी राजभर को अहम विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, अरुण राजभर को गाजीपुर से उपचुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। तो इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे आज। तो चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, क्या ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा और बीजेपी का गठबंधन होने जा रहा है और कितना महत्वपूर्ण है और किन शर्तों पर होगा, और कल तक मायावती को पीएम बनाने वाले ओपी राजभर अब कैसे प्रधानमंत्री के पद के लिए नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, अपने मेहमानों को परिचय करा दूं। विनय सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश त्यागी जी है, बीजेपी के प्रवक्ता है। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएस अरकवंशी है सुभाषपा के तरफ से। जेपीएस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएस जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। ओपी राजभर तो अभी कल तक ही कह रहे थे, कल ही हमने सुना उनका एक इंटरव्यू हमारे पास ही आया, तो उन्होंने कहा कि मायावती को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम चले आएंगे। तो क्या अब वो मायावती को बनाएंगे या नरेंद्र मोदी को? देखिए, बिल्कुल बात स्पष्ट है कि बहन जी को जब भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, हमारे नेता पहले से मंच पर पहुंच जाएंगे। और ये बात उन्होंने कल भी स्पष्ट की, कल शाम तक भी स्पष्ट की। और दूसरी चीज, जो आप खबर चला रहे हैं ये केवल सूत्रों की खबर है, और ये भाजपा का एक तरफा जो आप दिखा रहे हैं ये भाजपा की तरफ से सूत्रों ने खबर दी है, तो मुझे नहीं लगता है इसमें अभी कुछ सच्चाई है, क्योंकि हमारे नेताजी ने कल ही स्पष्ट किया था, आपके साथ भी स्पष्ट किया था कि ऐसी उनकी कोई बात नहीं हुई है। तो जा सकते हैं या नहीं? नहीं, अभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तो जाने आने की बात ही नहीं होती है। और 7 अक्टूबर को हमारा पटना में रैली है, उसी के समय हमारा सारा कुछ ऐलान होगा। नहीं तो मतलब की संभावना बन सकती है, नहीं बनेगी, बस ये बताइए ना। राजनीति तो संभावनाओं का ही खेल है पूरा। आप पर्दे में चीजों को रहने दीजिए, पर्दा ना उठाएं। देख लीजिए जेपीएस साहब, फिर देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो सीधे आपको पलटू राम कहेंगे जैसे ही आप जाएंगे। चलिए, मैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बड़ा पलटू राम कौन है? हाँ बताइए, कांग्रेस हो गई, बसपा हो गई, महानदल हो गई, प्रसपा हो गई, सुभाषपा हो गई, सभी पार्टियों का तो साथ ले लेके उसने सरकारें चलाई हैं अपनी, चार बार जो सरकारें चलाई हैं, सभी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ा है, उससे ज्यादा पलटू राम कौन होगा? हम ठीक है, मैं लौटूंगा, विनय जी से इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले अवनीश त्यागी जी से एक रिएक्शन ले लेता। अवनीश जी, सुभाषपा का स्वागत करने के लिए तैयार है आप लोग? देखिए, हम सभी उन दलों का जो हमारे नीतियों में, देश के निर्माण में, समाज के उत्थान में भरोसा रखती है, सभी के लिए, और एनडीए में सब शामिल है, एनडीए में तमाम समान विचारधारा के लोग शामिल।
शामिल है और एनडीए लंबे समय से काम भी कर रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो समान विचारधारा के समाज कल्याण के लिए, तो सुभाषपा समान विचारधारा की लगती है आपको, पहले भी आपके साथ रही है, ऐसा तो नहीं है? देखिए ये तो काल परिस्थिति के अनुसार होता है, दोनों नेताओं के इस नेट पर तो जो बैठता है उनके बीच में भी होता है, और क्या हालात कल के थे क्या हालात आज के हैं इनमें बदलाव आता था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा है ना जी, अब जो शख्स अभी तक मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत कर रहा है, अब कल ही अगर मान लीजिए आपका गठबंधन हो जाता है, वो कैसे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत करेगा जनता के बीच जाकर? नहीं देखिए ये सारी चीजें अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कल क्या होगा ये तो हाईकमान का फैसला, मैंने आपको बताया उनको करना है, पर इसमें कोई नहीं, आदमी की विचारधाराएं बदलती है, गलत फहमियां होती है, दूर भी होती है, कई आदमी के विचार बदलते हैं, परंतु जो देश के लिए और समाज के लिए हमारे कार्यक्रमों के लिए हमारी नीतियों के लिए और जो हमारे जन कल्याण के कार्यक्रम चल रहे हैं उससे जो वास्ता रखेगा उसके लिए तो दरवाजे बांटे सपाट। चलिए विनय जी क्या लग रहा है, फिर से पलटू राम की संज्ञा लगेगी सुभाषपा के लिए? देखिए एक चीज बताते हैं, जब मियां बीबी राजी कहावत है तो क्या करेगा काजी, जब भाजपा लेने को तैयार है और ये जाने को बेकरार है तो कोई क्या कर लेगा, क्योंकि अभी तक जो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी समाज के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से सामाजिक लड़ाई की बात कर रहे थे, जनगणना की बात कर रहे थे, जिस तरीके से इनका अभी तक वक्तव्य आप लोगों ने सुना है, क्या उनके ऊपर कहा जाए कुछ समझे में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व विनय जी वो आपके साथ आ जाएंगे, विनय जी आपके साथ आ जाएंगे, आप महागठबंधन के लिए आप मायावती को पीएम पद के लिए उम्मीदवार बना दीजिए, तैयार है, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे जहां भी होंगे वो। हम लोगों ने पहले ही पत्र लिख करके बकायदे उनसे कहा है कि आप जा सकते हैं, आपके लिए रास्ता खुला हुआ, हम लोगों ने तो पहले ही कह दिया है और लास्ट प्रयास भी किया, आप लोगों ने देखा है कि सारी पार्टियों के दरवाजे इन्होंने लॉक किया लेकिन कहीं नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वास्तविक पसी में सारे भ्रष्टाचारी सारे जितने भी इस तरह के लोग हैं सबको समाहित करने की मादा रखती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो बहुरुपिया एक दूसरे बहुरुपिया को ही बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर कभी ऐसा नहीं रहा। विनय जी अभी अब आप कह रहे बहुरुपिया, मैं इस पर लूंगा जेपीएस अरकवंशी जी का, लेकिन बहुरुपिया के साथ आप भी रहे ना, फिर आप भी बहुरुपिया के साथ रहे ना, तो मैं वो ही तो बता रहा हूँ, जब आपके साथ कोई जाएगा तभी तो उसके रूप को आप समझ पाएंगे। चलिए मैं लौटूंगा एक बार, विजय उपाध्याय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए, उनको भी एक बार चर्चा में सुन, जेपीएस जी आ रहा हूँ, मैं लौट के आ रहा हूँ आपके पास। विजय उपाध्याय जी आपका आकलन क्या कह रहा है, ओपी राजभर जा रहे हैं बीजेपी के साथ? जा सकते हैं क्योंकि इनके ऑप्शंस तो हर जगह ओपन रहते हैं ओम प्रकाश राजभर के, और ये एक्चुअली इनकी जहां बेहतर सौदेबाजी होगी, और राजनीति एक्चुअली सौदेबाजी का ही खेल है। ओम प्रकाश जी ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग और बैटिंग दोनों की है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बेबाक बोलते हैं और जो चाहते हैं बोल देते हैं। 17 जब ये बीजेपी थोड़ा सा नफा नुकसान समझाइए ना, ये बहुत कुछ बोला था सपा से अलग हुए, नफा नुकसान बीजेपी के लिए? नहीं देखिए नफा नुकसान इसमें दोनों का है, फायदा दोनों का है, फायदा दोनों का है। देखिए एक तो भाजपा का फायदा ये है कि उनको एक ऐसी पार्टी मिल जाएगी जिसको बीजेपी ने पहली बार विधानसभा में भेजने में मदद की, 2017 में साझा चुनाव लड़े और पहली बार दरवाजे विधानसभा के भाजपा की मदद से इनके खुले, सुभाषपा के खुले, और जो बीजेपी के साथ रहते हुए जो इनकी जीत का जो आंकड़ा था, जो एवरेज था, वो एवरेज ज्यादा बेहतर है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जीत के जो आंकड़े इनके आए हैं, तो इस हिसाब से भाजपा इनके लिए बेहतर है। इन्होंने 2019 में लोकसभा में अपने प्रत्याशी उतार के भी देख लिए हैं और बीजेपी को ठीक से रोक नहीं पाए, बीजेपी फिर भी जीती। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गई लेकिन समाजवादी पार्टी को उतनी कामयाबी नहीं मिली, इनको भी उस एवरेज में कामयाबी नहीं मिली जिस एवरेज में 17 में इनको कामयाबी मिली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके वोटर का जो स्वाभाविक झुकाव है वो गठबंधन में भाजपा के पक्ष में ज्यादा नजर आता है, ये आंकड़ों के आधार पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पूर्वांचल में राजभर समाज में इनकी अच्छी पकड़ है इसलिए हम कह सकते हैं।